विराट कोहली ने हाल ही में अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के शानदार 14 साल पूरे किए और कुछ इतना ही समय रोहित शर्मा को भी हो गया है। और अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, भारतीय क्रिकेट में इन दो महान बल्लेबाजों के उत्तराधिकारी की तलाश भी जोर पकड़ने लगी है, जिसके लिए किसी ऐसे खिलाड़ी की जरूरत है जो सचिन और विराट की विरासत को सफलता पूर्वक आगे बढ़ा सके। और इस रेस में फिलहाल जो नाम सबसे आगे चल रहा है वो है शुभमन गिल, जिन्होंने हर मौके पर इस दावेदारी को मजबूत करने का काम किया है। आज के इस एपिसोड में हम आपको इसी उभरते सितारे की जिंदगी के बारे में बताने वाले हैं। 8 सितंबर साल 1999 के दिन भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास स्थित पंजाब के फाजलिका जिले के खेरावाला गांव में पिता लखविंदर सिंह और मां कीर्त गिल के मध्यम वर्गीय खेतिहर परिवार में उनके बेटे शुभमन गिल का जन्म हुआ था। शुभमन गिल की एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम शाहीन गिल है। शुभमन के पिता और दादा से लेकर शुभमन गिल की पिछली कई पीढ़ियों ने खेती से ही अपना जीवन यापन किया था, लेकिन लखविंदर सिंह इस परंपरा के उलट एक क्रिकेटर बनना चाहते थे। उनमें प्रतिभा भी थी, लेकिन परिवार से मदद और सही दिशा न मिलने के कारण लखविंदर सिंह को अपना सपना छोड़कर खेती बाड़ी को ही आगे बढ़ाना पड़ा। पिता किसान तो बन गए थे, लेकिन उनके अंदर क्रिकेट खेलने का जुनून कभी खत्म नहीं हुआ, और यही कारण था कि उनके घर में हर समय 4-5 बल्ले और टेनिस गेंद पड़ी रहती थी। शुभमन गिल जब 3 साल के हुए तो वह भी भारी बल्ले को उठाने की कोशिश किया करते थे, और जब कोशिश कामयाब नहीं हो पाती तो उदास हो जाते थे। शुभमन के दादाजी और पूरा परिवार उन्हें अलग अलग खिलौने देकर खुश करने की कोशिश करता, लेकिन शुभमन को उस बल्ले और गेंद के अलावा किसी भी दूसरे खिलौने में दिलचस्पी नहीं थी। ये सब देखकर शुभमन गिल के दादाजी ने अपने पोते के लिए एक हल्का बैट बनवाया, और यहाँ से लगभग 4 साल की उम्र में शुभमन गिल क्रिकेट के साथ साथ बड़े होने लगे। दिलचस्पी बढ़ने लगी तो लखविंदर सिंह अपने बेटे को घर के बरामदे में रोज टेनिस गेंद से बैटिंग करवाने लगे। समय बीतने के साथ साथ शुभमन गिल के पिता को समझ में आने लगा कि उनका बेटा भी क्रिकेट में एक विशेष प्रतिभा लेकर पैदा हुआ है। धीरे धीरे वो शुभमन गिल को अपने साथ खेत ले जाने लगे, और वहाँ भी शुभमन गिल के लिए एक अच्छी पिच का निर्माण करवा दिया, जहाँ शुभमन अपने पिता सहित उम्र में खुद से बड़े कई लड़कों के साथ क्रिकेट खेला करते थे। शुभमन गिल के साथ खेलने वाले लड़कों को लखविंदर सिंह कहते थे कि जो भी लड़का उनके बेटे को आउट कर देगा उसे वो 50 रुपए देंगे। कभी कभी यह इनाम राशि 100 रुपए तक पहुँच जाती थी, लेकिन सप्ताह में एक दो बार ही ऐसा होता कि कोई लड़का शुभमन गिल को आउट कर पाता था, बाकी दिनों में इनाम राशि शुभमन गिल को मिलती थी। शुभमन गिल में हुनर तो था, लेकिन उन्होंने अभी तक क्रिकेट को प्रोफेशन बनाने के बारे में सोचना शुरू नहीं किया था। उनके लिए क्रिकेट स्कूल होमवर्क से पीछा छुड़ाने और पिता से रुपए इकट्ठा करने का एक साधन मात्र ही था। लेकिन लखविंदर सिंह को अपने बेटे का भविष्य साफ नजर आ रहा था, और उस भविष्य को हकीकत बनाने के लिए लखविंदर सिंह शुभमन को सारे दिन प्रैक्टिस करवाया करते और क्रिकेट से जुड़े कई पुराने किस्से कहानियां सुनाया करते थे। घर में टेलीविजन पर सिर्फ क्रिकेट मैच चला करता था, जिसमें सचिन को देखकर शुभमन गिल को इस खेल के मायने समझ में आने लगे और उन्होंने इस खेल को पसंद करना शुरू कर दिया था। शुभमन 7-8 साल की उम्र में हर दिन अपने पिता की 500-600 गेंदों का सामना करते थे, जिन्हें उनके पिता नए नए तरीकों से फेंका करते थे। कई बार तो ऐसा भी होता कि लखविंदर सिंह पिच पर चारपाई ले आते थे, जिस पर पड़कर गेंद ज्यादा तेजी से शुभमन गिल तक पहुंचती थी, और इस तरह शुभमन गिल को तेज गेंदबाजी का सामना करने का गुर भी उनके पिता ने ही सिखाया था। यह वो समय था जब शुभमन गिल अपने अधिकतर समय खेतों में अपने पिता के साथ बिताते थे, और उन्हें खेतों का माहौल अच्छा लगने लगा था। उन्हें खेती की विधियां सीखने समझने में भी दिलचस्पी पैदा होने लगी थी, और उनके पिता की बात माने तो शुभमन गिल अगर क्रिकेटर नहीं बनते तो उन्हें किसान बनने से भी कोई हर्ज नहीं था। शुभमन गिल की क्रिकेट लगातार अच्छी हो रही थी, लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्तर तक पहुँचने के लिए शुभमन गिल को एक अच्छी कोचिंग की जरूरत थी, जो गांव में रहकर मुहैया कर पाना मुश्किल था। और इसलिए अपने बेटे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए लखविंदर सिंह ने अपने परिवार के साथ खेत खलिहान छोड़कर गांव से 300 किलोमीटर दूर मोहाली आ गए, और वहां पंजाब क्रिकेट एकेडमी के पास एक किराए के घर में रहना शुरू कर दिया। यहां आकर शुभमन गिल ने मानव मंगल स्मार्ट स्कूल को ज्वाइन कर लिया, लेकिन यहां भी क्रिकेट के खेल में अच्छा स्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन शुभमन गिल ने स्कूल के बाद क्रिकेट एकेडमी जाना शुरू कर दिया था। सुबह 3:30 बजे उठकर 4 बजे तक तैयार होना और फिर अपने पिता के साथ 2 घंटे की क्रिकेट प्रैक्टिस के बाद स्कूल जाना, और वहां से आकर क्रिकेट प्रैक्टिस और फिर एकेडमी के मैदान पर देर रात तक अपने हुनर को पुख्ता करने पर काम करना, ये गिल की दिनचर्या थी, जो रविवार के दिन और भी सख्त हो जाती थी, क्योंकि उस दिन गिल लगभग पूरा दिन मैदान पर ही बिताते थे। शुभमन गिल का समय क्रिकेट के इर्द गिर्द ही बीतने लगा था, लेकिन इससे उन्हें किसी भी प्रकार की तकलीफ का एहसास नहीं होता था।
बल्कि वो तो जितना अधिक हो सके अपने से बड़ी उम्र वाले लड़कों के साथ खेलने में खुश रहने लगे थे। समय गुजर रहा था, शुभमन गिल की उम्र लगभग 11 साल की हो गई थी, लेकिन एकेडमी से बाहर उनकी क्रिकेट आगे नहीं बढ़ पा रही थी, वो एक ही जगह सिमट कर रह गए थे। मगर फिर साल 2009 में पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज करसन घावरी को पंजाब क्रिकेट एकेडमी में तेज गेंदबाज तैयार करने के लिए शामिल किया गया था, जहां अंडर 16 और अंडर 19 खेलने वाले गेंदबाज अलग अलग राज्यों से आए थे। लेकिन गेंदबाजों को तैयार करने के लिए घावरी को अच्छे बल्लेबाज नहीं मिल रहे थे। 4-5 दिन ऐसा चलता रहा और फिर एक दिन जब बारिश के चलते प्रैक्टिस सेशन रोकना पड़ा तो घावरी अपने एक दोस्त के साथ घूमने निकल पड़े और पंजाब क्रिकेट एकेडमी के पास एक मैदान पर उन्होंने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा, जिनमें 11 साल का एक बच्चा बारिश के बावजूद भी तेज गेंदबाजों को बढ़िया तरीके से खेल रहा था। यहाँ उनकी मुलाकात शुभमन गिल के पिता से भी हुई, जो मैच देख रहे थे, और उनसे घावरी ने कहा कि वो उनके बेटे को हर तरह की सुविधाएं देंगे, आप बस उसे कल उनके पास भेज दीजिएगा। अपने बेटे को क्रिकेटर बनाने का सपना देख रहे लखविंदर सिंह के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी कि भारत के एक महान खिलाड़ी उनके बेटे को खुद तैयार करना चाहते थे। लखविंदर सिंह ने घावरी को हाँ कह दिया और घर आ गए। अगले दिन शुभमन गिल घावरी के पास पहुंच गए, जहां एक से बढ़कर एक तेज गेंदबाजों से उनका सामना हुआ, जिनमें संदीप शर्मा भी शामिल थे। घावरी ने जब बेहतरीन गेंदबाजों के सामने गिल को अच्छे से खेलते हुए देखा तो वो समझ गए कि शुभमन गिल को अब बस एक बड़े मंच की जरूरत है। और ऐसे में उन्हें पता चला कि शुभमन गिल को अभी तक अंडर 14 में खेलने का मौका नहीं मिला है, तो उन्होंने पंजाब क्रिकेट के बड़े पदाधिकारियों से गिल को अंडर 14 और अंडर 16 में शामिल करने के लिए कहा। यहां से अंडर 14 में शानदार प्रदर्शन के बाद गिल ने अंडर 16 में अपना आगाज शानदार दोहरे शतक के साथ किया, और इसी दौरान गिल ने 2014 में ML मार्कन ट्रॉफी के अंतर्गत खेले जा रहे इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में मोहाली के लिए खेलते हुए निर्मल सिंह के साथ मिलकर 587 रनों की बेहतरीन साझेदारी निभाई, जिनमें शुभमन गिल ने 49 चौकों की मदद से 351 रनों की पारी खेली थी। इस प्रदर्शन के दम पर गिल ने पंजाब की अंडर 19 टीम में अपनी जगह बनाई और यहां भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। शुभमन गिल को साल 2014 और साल 2015 में अपने प्रदर्शन के लिए BCCI की तरफ से बेस्ट अंडर 16 खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया था, और यहीं गिल की मुलाकात पहली बार विराट कोहली से हुई थी। साल 2017 में गिल को भारत के अंडर 19 टीम में शामिल किया गया। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलते हुए गिल ने 4 मैचों में 278 रन बनाए थे और यहां से डोमेस्टिक क्रिकेट के दरवाजे गिल के लिए खुल गए। 25 फरवरी साल 2017 को विदर्भ के खिलाफ खेलते हुए अपने लिस्ट करियर का आगाज करने के बाद इसी साल नवंबर के महीने में गिल ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी पदार्पण किया और फिर अपने दूसरे ही फर्स्ट क्लास मैच में अपना पहला शतक भी लगा दिया था। अगले साल गिल को अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का वाइस कैप्टन चुना गया, जहां इस बल्लेबाज ने भारत के लिए सबसे ज्यादा 372 रन बनाए थे, अपने देश को विश्व चैंपियन बनाने में सफल भूमिका निभाई थी। सेमीफाइनल में पाकिस्तान से भिड़ने से पहले गिल को यह खबर मिली कि आने वाले IPL सीजन में कोलकाता के लिए वो खेलने वाले हैं, जिन्होंने उन्हें 1.8 करोड़ की बिट के साथ अपने दल में शामिल कर लिया है। इस खुशखबरी के साथ गिल अगले दिन पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरे और शानदार शतकीय पारी खेलकर भारत को फाइनल तक पहुंचाया। इसी साल गिल ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपना पहला दोहरा शतक भी लगा दिया और फिर साल 2019 के पहले महीने में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपने 1000 रन भी पूरे कर लिए थे। नवंबर 2019 में इंडिया सी टीम का कप्तान बनने के साथ ही गिल ने सबसे युवा कप्तान बनने के मामले में विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया था। 31 जनवरी साल 2019 ही वो दिन रहा जब गिल को न्यूजीलैंड गई भारतीय टीम में चौथे वनडे के लिए विराट कोहली की जगह अपना पहला वनडे मैच खेलने का मौका मिला। इस मैच में भारत की बल्लेबाजी 92 रनों पर ही सिमट गई थी, इसके चलते गिल के लिए अपना डेब्यू भुलाने लायक ही रहा। गिल को सीरीज के आखिरी मैच में भी खेलने का मौका मिला, जिसमें यह बल्लेबाज सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गया। शुभमन गिल को 2019 IPL सीजन में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया था, जिसके बाद अगस्त के महीने में गिल फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इंडिया ए के लिए खेलते हुए दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए। गिल ने यह कारनामा शानदार गेंदबाजों से लैस वेस्टइंडीज ए टीम के खिलाफ खेलते हुए ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी स्टेडियम पर खेलते हुए पूरा किया था। गिल को साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भी चुना गया, लेकिन खेलने का मौका नहीं मिला, जिसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उनके साथ यही हुआ और फिर आखिरकार गिल को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिसंबर 2020 में सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में पदार्पण करने का मौका मिला, जिसमें इस बल्लेबाज ने भारत को सीरीज में वापसी करवाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद गिल उसे ऐतिहासिक गाबा टेस्ट का भी हिस्सा रहे, जिसे जीतकर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के घर में हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को अपने नाम किया था। इस मैच में गिल के 91 रनों की पारी को बहुत से क्रिकेट खिलाड़ियों से प्रशंसा मिली थी। गिल को इसके बाद जहां भी जिस रोल में भी खेलने का मौका मिला, इस खिलाड़ी ने उस मौके को भुनाया, और यही वजह है कि गिल आज भी भारतीय टीम की अहम कड़ी बने हुए हैं। हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हुए वनडे सीरीज में गिल ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड हासिल किया और इसी सीरीज के आखिर मैच में शानदार
130 रन बनाकर वनडे क्रिकेट में अपना पहला शतक भी पूरा कर लिया है। इस बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर अब गिल ने आगे आने वाले मौकों के लिए भी अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर दी है। गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते हुए आईपीएल चैंपियन बनने वाले शुभमन गिल ने अभी तक अपने छोटे से करियर में बेहतरीन प्रदर्शन किया है और इसी उम्मीद के साथ कि यह बल्लेबाज इसी तरह अपने प्रदर्शन को जारी रखते हुए भारतीय क्रिकेट को आगे बढ़ाए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।